गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, आज हम अपनी क्लास 9 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल्फ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा देखिए, हमें पता है कि हमारे अर्थ पर मिलियंस की फॉर्म में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई शेप में, कोई स्ट्रक्चर में, कोई आपकी डिफरेंट फीचर्स में अलग है। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट इज कॉल्ड सेल। आपको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक छोटी सी यूनिट से मिलकर बने हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, दैट इज सेल। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक लेयर सेल की एक लेयर से मिलकर बना हो, जिसके ऊपर एक ही लेयर हो, उसको आप क्या बोलेंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल, उसको आप क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। ओके बेटा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हो, मल्टी लेयर सेल से मिलकर बना हो, उसको आप बोलते हैं क्या, दैट इज मल्टी सेलुलर। नाम से ही पता लग रहा है बेटा कि यूनि का मतलब होता है आपका सिंगल, और मल्टी का मतलब होता है मैन, कि जो सिंगल लेयर से मिलकर बना है उसको आप क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और जो आपके मैनी लेयर से मिलकर बना हो उसको बोलते हैं क्या, मल्टी सेलुलर। इज इट क्लियर? तो देखिए बेटा, आगे बात करते हैं। जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, एंड अमीबा। ओके बेटा, ये आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइगर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके बेटा, ये क्या है, आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड अमीबा, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि आपके हाइगर प्लांट्स और एनिमल्स। और जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने फंक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करे, वो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है बेटा। ठीक है बेटा, वो किसकी हेल्प से होती है, सेल की हेल्प से होती है। अपनी लाइफ को जीने के लिए वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की फंक्शन करते हैं। ओके बेटा, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है, सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इज इट क्लियर बेटा? ओके, आगे चलते हैं। एक टर्म आती है बेटा,
साइटोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं आप, स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी को आप क्या बोलते हैं बेटा, साइटोलॉजी। एक टर्म और आती है सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है बेटा, जिसके अंदर आप सेल के स्ट्रक्चर की, सेल की केमिस्ट्री की, सेल के फंक्शन की बात करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को सेल बायोलॉजी। ये सेल बायोलॉजी क्या है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील विद द सेल स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री ऑफ द सेल एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ओके बेटा, कि ये क्या था आज जो ये हमने आपको कराया, जस्ट ए इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। इसके बाद हम आगे करेंगे इसको और डिटेल में। आज आपका ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इसका जस्ट इंट्रोडक्शन आपने आपको बताया है कि सेल एक्चुअल में होता क्या है, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं दैट इज साइटोलॉजी, और सेल के फंक्शंस को, सेल की केमिस्ट्री को, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने को आप क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। ओके बेटा, आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।